मैंने विरासत के तीसरे दिन बताया था कि पंजाब को हम गुरुओं की धरती, पीर फकीरों की धरती, महंतों की धरती और संगीत की धरती के नाम से जानते हैं। संगीत की परंपरा पंजाब में बहुत साल से रही है और पंजाब में कई नामी गरामी संगीत के घराने हुए हैं, जैसे तलवंडी घराना, पंजाब घराना, पटियाला घराना, शाम चौरासी घराना इत्यादि। और हर घराने की अपनी विशेषता रही है। इनमें से एक घराना है पटियाला घराना, जो अपनी तानों, नज़ाकत, मुर्कियों के लिए जाना जाता है और जिसका संगीत पंजाब के लोक संगीत से काफ़ी प्रभावित है। परसों विरासत के इस मंच पर पटियाला घराने की शास्त्रीय संगीत में परांगत कौशिकी जी की प्रस्तुति हुई थी और आज इसी घराने के एक स्तंभ, जिन्हें हम आदर और प्यार से पापा जी भी बोलते हैं, पद्मश्री पूरण चंद वडाली जी। अभी थोड़ी देर में पापा जी मंच पर पधारेंगे। पंजाबी सूफी संगीत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले गायकों में यदि सबसे अधिक किसी का योगदान है, शीर्ष स्थान अगर किसी का है, तो वो है वडालीज का। और वडाली बंधु विरासत देहरादून में 1995 से लगातार हर वर्ष आ रहे हैं। उनका संगीत हमें यकीनन दूसरी ही दुनिया में ले जाता है, उससे मिलवाने की कोशिश करता है और जिसे हम सब ने हमेशा महसूस किया है। दुर्भाग्यवश बापा जी के पुत्र समान छोटे भाई प्यारे लाल जी अचानक ही हमसे इस नश्वर संसार से विदा ले गए। वडाली ब्रदर्स के नाम से जाने वाले ये दोनों भाई जब गाते हैं तो दिल में हर एक तान, हर एक मुर्की उतर जाती है। वैसे तो वडाली नाम को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। पापा जी कहते हैं कि वे सूफी संतों के संदेश को अपने गायन से सब तक ले जाने वालों की ये वे पांचवी पीढ़ी है। उनके पिता ठाकुरदास वडाली जी ने पूरन चंद जी को संगीत सीखने के लिए प्रेरित किया था। पूरन चंद जी ने पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से संगीत की शिक्षा ली। प्यारे लाल जी ने अपनी संगीत की शिक्षा अपने भाई से ही ली और जिन्हें वो मृत्यु तक अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि अपना गुरु मानते रहे। एक सरल सा जीवन जीने वाले उस्ताद पूरन चंद जी उन सुपात्रों की संगीत की शिक्षा देते हैं जो इस परंपरा को संरक्षित रखने का वादा करते हैं। बहुत ही सादगी से रहने वाले, क्योंकि सूफी परंपरा में सादगी को बहुत बड़ा माना गया है और इसीलिए इसी मंच से पूरन चंद जी ने बहुत बार कहा है बुल्ले शाह के लिए कि बुल्लिया राती जागें दिन पीर कहावें, राती जागण कुत्ते तय थी उत्ते, राती पौंकणों वस नहीं कर दे दिन जार रड़ा विच सुत्ते तय थी उत्ते, खसम अपने दा दर नहीं छड़ दे भावें सौ सौ मारण जुते, उठ बुल्लिया चल पीर मना लै नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते। सो ऐसे सूफी संतों की के संगीत को, उनकी सूफियाना कलाम को लेकर आपके सामने आते हैं। पापा जी के साथ आजकल उनके सुपुत्र लखविंदर इस सूफी संगीत की परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। लखविंदर को अपने पिता पूरनचंद वडाली जी से शास्त्रीय संगीत में व्यापक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वैसे वे एक स्वतंत्र गायक और कलाकार भी हैं। उनके गीतों में संगीत में शास्त्रीय और वर्तमान रुझानों का मिश्रण है। उनके प्रदर्शनों की सूची में सूफी संत, रोमांटिक लोकगीत, गज़ल, भजन और भांगड़ा शामिल हैं। आलाप और तान उनके संगीत के महत्वपूर्ण पहलू हों और ये दोनों पहलू पटियाला घराने के बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़े डिस्टिंक्ट पहलू हैं। चलिए मैं आपके और पद्मश्री पूरन चंद वडाली जी और लखविंदर वडाली जी और उनके साथियों के बीच से विदा लेता हूं और हम बड़े आदर सहित उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं।
धन्यवाद जी। हेलो 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 वाह करिए। हाँ भाई आपको सबको नमस्कार है। कि बहुत देर हो गई थी तो आज मिले हैं। क्यों जब मिलते हैं तो फिर आनंद आता है। कैसे आज सब यार दोस्त बहन भाई सब हमें मिले हैं तो बहुत आनंद आया। देखा है तो मन खुश हुआ कि जैसे कहते हैं क्यों कि मिलना ही बात है। सब मिलने की बात है। आ सजना ओए गले लग मिलिए इस विछोड़े नू अग लाइए। मंजूर मियां गम दिलां च रहिंदे किते विछड़े ना मर जाइए। क्यों जाना तो सबने है तो कहिंदे ने मेला मेलियां दा यारां बेलियां दा मेला मेलियां दा और यारा बेलियां दा रांझा भाइयां नू छड़ फकीर होया हीर छड़ गी संग सहेलियां दा और एक दिन सजना भी तुर जाना कुंडा मार के ना हवेलियां दा। क्योंकि जदों यारा नू यार भैन भरा मिल जान तो जे ना मिले तो को मन ही खुश होंदा। ईद आई और मेरा यार नहीं आया। रब्बा खैर होवे तो दम दी हार शिंगार मैनू चंगे नहीं लगते। किसी चीज़ से नज़र नहीं जमती सुखा वालियाँ नींदरा मानन ते मैं रात गुजारा गम दी। यार मिले तो ईद मनावा बिना यार दे ईद ना कम दी। अज उतों ही शुरू करांगे ईद आई दे दस्त। अज ईद तो बात करनी जब यारा नू यार मिलते तो साढ़े पा दी ईद हो गई। कि अज बात बहुत मन खुश होया कट्ठे होए। जैसे जे अगे ना यारा नू यार मिले तो मन की कहिंदा है उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां ओए पत्तर जिन्हां दे सावे जिस दम दे नाल प्रीत है साडी सानू ओ दम नजर ना आवे। ओए खुलियां गलियां उजाड़ दिसन ते मैनू वेड़ा वड वड खावे ते गुलाम फरीदा उत्थे की बइए जिथे यार नजर ना आवे। अज मन खुश होया ते अज फिर असी ना अपने दिल दियां रीझां जिहड़ियां अज ला लैणियां ते लाओ फिर शुरू करें जरूर। एक हल्की सी ताली लगा कर दिया। विरासत के लिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। शुरू करते हैं।
नहीं होगी।
मुड़ के देखने वाले क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। ओए रात रात उनका भी जैसे ये रात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले ये खैरात फिर नहीं होगी। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा ऐ मेरे महबूब। तेरी पर्दा नशीनी की कसम मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। अरे महबूब महबूब मेरे महबूब, तेरी पर्दा नशीनी की कसम मैंने अशकों की कतारों में तुम्हें देखा है। तुझे देखा तो लगा मुझे ऐसे ऐसे, तुझे देखा दे देगा तुझे देगा देगा हे तुझे देगा तो लगा मुझे ऐसे दे। तुझे देखा तो लगा मुझे ऐसे, तुझे देखा तो लगा मुझे ऐसे, हो गई।
भगवान के कितने नाम हैं, बहुत नाम है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। कितने नाम है पता नहीं, कितने नाम है, जितने के आपको याद उतने के बता देते हैं। तेरा नाम, तेरा नाम, नाम, नाम। कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजा बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी सात परिंदों की, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। अल्लाह थे और क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजा बना बैठे। है तो भगवान के घर, मंदिर में मुसलमान नहीं जाता, क्योंकि मस्जिद में पंडित नहीं जाते। तो कहते हम तो क्या बनाने आए और क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजा बना बैठे। तो हमसे तो अच्छी सात परिंदों की, कभी मस्जिद पे, कभी मंदिर पे जा बैठे। मस्जिद भावे लखां दी बनी होवे, मस्जिद भावे लखां दी बनी होवे, हिंदुआं दा ओथे नी जी जांदा। कहते हैं मस्जिद भावे लखा दी बनी होवे, हिंदुआ दे नहीं उथे जी जांदा। मंदिर भावे लखा दा बनाया होवे, मुसलमान दा उथे नहीं जी जांदा। इहदे नालों मैं खाना बना ही छड़ दो, जिहदा जी करदा ओह ही पी जांदा। Oh,
एक आदमी गया तो मंदिर के बीच गया तो मंदिर जाकर कहने लगा जी भगवान के नाम पीछे रोटी तो दो एक, कहता है नहीं। फिर मस्जिद से चला गया, मौलवी साहब ने कहिंदा कोई खुदा दे नाम पीछे एक रोटी दियो, कहिंदा है नहीं। आप जाके ते मैं खाने ते गाड़ी बह गया ठेके च, शराबी निकल गया, बाबा की चाहना है? कहन लगा जी मैं रोटी खानी सी। उन्हें कट के 100 रुपया दिता, कहन लगा ले बाबा नाले दारू पी नाले रोटी खा। कहन लगा टिकाने मंदरा मसीतां दे दसदा है ते रहिंदा ठेके जे आ गया तू। गालिब साहब पीन दे बहुत शकीन सन, रोज पींदे सन मिर्जा गालिब। एक दिन दारू नहीं सी, घरवाली नू कहिंदा कि मैं मस्जिद चलिया मैं नमाज पढ़ा वा खुदा दी। कहन लगी जी पढ़ आओ। जिस वेले मस्जिद चले गए नमाज पढ़ रहे ने ते एक शिगिर्द आ गया घर जाके पुछदा मां जी उस्ताद जी किथे ने? कहन लगे पे ओ ते पुत उधर गए ने मसीते गए ने मस्जिद दे विच नमाज पढ़न, नमाज पढ़न गए ने। उन्हें कि सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ी उन्हें ते अज दारू नहीं होनी। उन्होंने दारू की बोतल लई जाके मस्जिद के बूहे गाड़ी खलोते उन्हें नमाज पढ़ते हैं इस तरह इधर देखा इधर निगाह मारी तो बोतल दिखाई, कहिंदा जल्दी लिया फटाफट लिया गिलासी भी लिया तो पानी दियो। एक कोई पैग लगाया अजे तो मौलवी आके कहन लगा गालिब साहब तुसी पीन दे आदि हो नहीं रह सकते, ये खुदा का घर है मस्जिद साड़ी खुदा का घर है, ये तो छड़ लो तो लांबे बह के कितने पी लो, ये खुदा का घर छड़ लो तो लांबे बैठ के पियो। गालिब साहब शेर कहिंदे ने मुझे मस्जिद में बैठ कर पीनी दे जाद, और जालमा मैनू हूँ कुट ला ही लैन दे। मुझे मस्जिद में बैठ कर पीनी दे जाद या वो जगह बता यहाँ खुदा नहीं। सौ भी पा दी, सौ पाई हूँ नहीं पीवांगा। गालिब साहब ने सौ पा दी कि मैं नहीं पीवांगा हूँ, मैं कसम है ठेके दे बूहे गाड़ी हो 4 कदम लंघ गए तो ठहर गए। कहने लगा गालिब कदे ठेके तो एक कदम गाड़ी नहीं सी लंघिया, अज 4 कदम लंघ है, चलो इसे खुशी च ला लें चल के। एक जगह से उन्हें मौलवी ने कहिंदा है, कहिंदा है गालिब साहब कहिंदे ने भी तू कहिंदा मैं दुआ करा किसी के हक विच उहदे सब कम हो जाते ने। बिल्कुल करता कहिंदा ताड़ी बहुत जोड़ी हाँ जी ऐनी रख मेरा ताड़ी ने बहुत ख्याल हो जाता। तो कहन लगे गालिब साहब कहिंदे ने उन्हूं भी आप दुआ करते हो तो सब दुनिया के कम हो जाते ने, तो थोड़ी जी दुआ ये करो खां की कहिंदे ने मुल्ला अगर असर है तेरी दुआ में तो मस्जिद हिला के दिखा। गालिब साहब कहिंदे ने मुल्ला अगर असर है तेरी दुआ में तो मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो 2 घूंट पी मस्जिद हिलती देख ले।
मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, सभी खुदा के घर हैं, सभी खुदा के घर हैं। इधर गिरजा, इधर गिरजा, उधर गिरजा, इधर गिरजा। तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम 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 तेरा नाम। काबे के दर चार हैं, काबे के दर चार हैं, रास्ता तो एक ही है। काबे के दर चार हैं, रास्ता तो एक है, पर्दा उठा के देख ले, मौला तो एक है। मैं तो पीता हूं, खुद पीता हूं, मैं तो पीता हूं, खुद पीता हूं, पीता हूं, ये बात। मैं तो पीता हूं, खुद पीता हूं, गम मिटाने के लिए जाता हूं मैं खाने में, मैं तो पीता हूँ, खुद पीता, गम मिटाने के लिए जाता हूँ मैं खाने में, इसलिए पीता हूँ, तेरी सूरत नजर आती पैमाने में। तेरा नाम, तेरा नाम, नाम, नाम। मैं पीता हूँ, खुद पीता हूँ, गम मिटाने के लिए जाता हूँ मैं खाने। अगर अगर नशा शराब में होता तो नाचने लग जाते पैमाने। लोगों का खून पीते तो मैं तो शराब पीता हूँ। तेरा नाम, माना तेरा, माना जनाब पीता हूँ, आए पीता हूँ तो बेहिसाब पीता हूँ। अरे लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी शराब पीता हूँ। तेरा नाम, तेरा नाम, कौन सी पीनी है पापा जी जरा बता दें। जाम गर्दिश में है, दर बंद है साकी मैखानों के, जाम गर्दिश में दर बंद है साकी मैखानों के, या कई फरिश्ते हैं रूप में शैतानों के, वसले गुल रंगे चमन दौरे खजां हुस्ने बहार जलवा नूर है मुख्तलिफ नाम साकी तेरे पैमानों के। तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम तेरा नाम, तेरा नाम, नाम नाम तेरा नाम। तौहीद की शराब है, क्यों कि जिन्होंने तौहीद की शराब पीती है मसीह जी, उन्होंने अपने यार नू अपने तौहीद की शराब विच देखिया। तेरा नाम, 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 तेरा नाम, तेरा नाम, 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 तेरा नाम।
रखी वो हो गई मैं यारी तेरे संग जब से लगाई दुनिया रखी वो हो गई मैं यारी तेरे संग जब से लगाई दुनिया रखी वो हो गई तेरे इश्क वाली तकड़ी में दुल्हना तेरे इश्क वाली तकड़ी में दुल्हना तेरे इश्क वाली तकड़ी में दुल्हना तेरे इश्क वाली किस तरह तेरे इश्क वाली तकड़ी में तुलना बाबे नानक जी तेरह तेरह तोल गए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के उन्होंने भी इन्हू करने भी सब परिवार लटा दिता एकता वास्ते ये तौहीद कि ये चीज सी इश्क की सी आया इश्क जिन्हां दे वल वे लख लख बदनामिया इश्क ने हीर फकीर चा कीती सोइयो गल रांझे संग बीती ससी मोई रुल थल वे लख लख बदनामियां आया इश्क जिन्हां दे वल ते जिन्हां ने तौहीद ही पीती उन्हें क्या सी इश्क नू भी मंगा लिया इश्का जोर नहीं विच तेरे सच आख बडेपा आयो हाशिम लोक करन गमे में असा भेद तेरा हुण पायो तेरे इश्क वाली तकड़ी में दुलना तेरे इश्क वाली तकड़ी में दुलना ओ तेरे इश्क इश्क तेरे इश्क तेरे इश्क इश्क तेरे इश्क तेरे इश्क इश्क तेरे इश्क इश्क तेरे इश्क न चाया कर थैया थैया तेरे इश्क न चाया कर थैया थैया
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਦਿਨੇ ਪੀਰ ਸਦਾਵੇਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਥੀ ਉੱਤੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰਾਤੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਪਲਗਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਪੀਰ ਸਦਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ ਤੈ ਥੀ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਭੌਂਕਣ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਨੇ ਜਾ ਰੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਤੈ ਥੀ ਉੱਤੇ ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੌ ਸੌ ਮਾਰਨ ਚੁੱਤੇ ਤੈ ਥੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਬੁੱਲਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਈ ਕੁੱਤੇ ਤੈ ਥੀ ਉੱਤੇ ਗੈਰਤ ਆਈ ਕਿ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਪੀਰ ਨੈਤਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਤੂੰ ਬੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਜਦ ਨੂੰ ਲੀਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਬੁੱਲਾ ਭੁੱਲਾ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆਈ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਬਣਾਵਾਂ ਯਾਰੋ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਰਸਾਈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੂਲ ਨਾ ਕਾਈ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਪਾਰ ਲਵਾਸ ਤੋਂ ਬਹਿ ਤੋਹਫਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਜਰੀ ਬਣੇ ਬੁੱਲਾ ਪਾਰ ਲਵਾਸ ਤੋਹਫਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਝਾਂਜਰ ਪਾਈ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹੋ ਦੁਹਾਈ ਕੋਈ
ਸਾਲੂ ਸਾਜੀ ਲਾ ਲਾਏ ਵਾਲੇ ਵਸਲੂ ਤੇ ਉਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਗਤ ਹਮਿਤਾਰੇ ਦੀਆ ਹੋ ਰੰਗ ਤੇਰਾ Thank you.
सर सर मां पानी Hey,
ਦਿੰਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪੇਕੇ ਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਕਥਾ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀਓ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਦੱਸਣ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਭ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਮਰਗ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੱਸਾਂ ਗਾੜੀ ਬੈਠੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੱਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀਆਂ ਰੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗਾੜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਲਾਪ ਕਰੇ ਬੜੇ ਵੈਣ ਪਾਵੇ ਬੜੀ ਰੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਖਣ ਬੀਬੀ ਭੈਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਹਟੇ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰਾ ਸੱਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਂ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਲੰਗ ਹੋ ਜਾਵਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਾਸਟ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਰੂਹ
ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕੋ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਰੂਹ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਆਸਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੋ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸੂਰਜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਸਨ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਸਨ ਕੀ ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਰੂਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ ਲੁਕਿਆ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ ਆਪ ਕਰੇ ਹੂ ਹੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੀਖੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਖੋਲ ਕਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੈ ਕੰਗਾਲ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਪਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਸੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਕਿਸ ਕੋ ਜੁਦਾ ਕਹੂੰ ਸੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਕਿਸ ਕੋ ਜੁਦਾ ਕਹੂੰ ਜਾਂ ਤੁਮ ਕੋ ਖੁਦਾ ਕਹੂੰ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਖੁਦਾ ਕਹੂੰ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਇਕੂਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਾਤ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਲੁਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਰੂਹ ਲੁਕਿਆ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਆਪ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਉਸਤਾਦ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਵਡਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਲਗਾ ਦੇ ਓਰਿਜਨਲੀ ਇਹ ਬਡਾਲੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕਾ ਗਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਔਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਵਾ ਦਾ ਨੀ ਜਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਗਜ਼ਾਨੀ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਹਿੰਗੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨ ਦਿਲਦਾਰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ ਕਮ ਆਈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਏ
ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਨ ਜਾਂ ਮਨ ਦਿਲ ਤਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ बगैर की जीना है क्यों एक जगह बुजुर्ग मेरे कोल बैठा ते कुड़िया ने फोटो खिचाइया बड़िया ते कह लिया बापू जी तुसी भी खिचा लो ओ कहिंदा मैं ये फोटो नहीं खिचाउनी जड़ी तुसा खिचाई इन्हां दी फोटो मेरे दिल विच अज तो पूरे 50 साल अज तो पूरे 50 साल दी मेरे दिल च मैं क्या वाह बुढ़िया कैसी गल की मैंने गल याद कराई आप तो करी हुसन की जागीर लिए बैठे हैं अरे हम तो अपने दिल में तेरी तस्वीर लिए बैठे तुझे बिन जीना
तुझ बिन जीना भी क्या जीना, वो जो बैठे हैं, कौन वो जो बैठे हैं, वो नहीं वो जो बैठे हैं, कौन वो नहीं जो उनसे परे बैठे हैं, वो कैमरा के पीछे, कोई जाके उनको कह दो, क्या कह दो, कोई भी जाके उनको कह दो, क्या कह दो, हम उन पे मरे बैठे हैं। पापा जी की 85 साल उम्र हो गई है, निगाह कितनी तेज है। देखो पापा जी ने तारीफ करी कि वो नहीं वो जो उनसे परे बैठे हैं, कोई जाके उनको कह दे कि हम उन पे मरे बैठे, तो मन में गरूर आया कि पापा जी ने मुझे पसंद कर लिया है। तो शायर ने जवाब लिखा, कहा कि यूं ना करना गुमा अपने पे, यूं ना करना गुमा अपने पे, लोग तुमसे भी परे बैठे हैं। ए तुझ बिन जीना क्या 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 क्या, क्या जीना जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना। सुनो वाह, तुम बिन जीना भी क्या जीना। देखो ना बुजुर्ग कहिंदे सन, गई जवानी फेर नहीं आउंदी भावे लक खराका खाई। ते बुढ़ा की कहिंदे ने, दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, दाढ़ी हो गई चिट्टी, कि ऐसी बात है दिल जड़ा दिल ओ ही हुंदा। बुजुर्गां दा दिल नहीं बुढ़ा हुंदा, कि वो तो देखा कि सानू ऐसी बात है कि मैं याद आई। वाबा रमज फकीरा तेरी शहद गुड़ नाल मिठी, ओए वाबा रमज फकीरा तेरी शहद गुड़ नाल मिठी, आई जवानी हर कोई वेंदा जांदी किसे ना डिठी, की बुनियाद है बंदिया तेरी आखर होना मिट्टी, इश्क ने हरदम ताजिया रहना भावे दाढ़ी हो जाए चिट्टी। पापा जी मुझे भी याद आया एक शेर, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, करते तो हैं मगर लोग इन पे शक नहीं करते। बस भाई वो ना हो, लड़ाई हो जाए हमारी, इतना ही बहुत है, आगे चलते। के तुझ बिन जीना क्या जीना, 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 तुझ बिन जीना। वो आए ना आए वो उनकी खुशी हम आस लगाए बैठे हैं, क्या वो आए ना आए हमें आस लगाए बैठे, वो आए ना आए है चन, वो आए या ना आए हम आस लगाए बैठे, तुम कह दो तो हम उठ जाएं, वो कह दे तो हम उठ जाएं, हम उनके बिठाए बैठे हैं। ये तुझ बिन जीना क्या, जिनकी महफिल हो, जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं, जिनकी महफिल हो महफिल में जरूर आते हैं।
जाते हैं, जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं, जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं। एक बार जरा जोरदार ताली आर के सिंह जी के लिए। जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं, महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये तुझ बिन जीना क्या जीना, 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 तुझ बिन जीना। वो जब आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे, सब उनकी तरफ देखेंगे। वो जब आएंगे वो जब आएंगे तो सब उनकी तरफ देखेंगे, वो जब आएंगे मगर देखना ये है कि वो आगे किन की तरफ देखेंगे।
थोड़ा सा पहाड़ी अंग पटियाला घराना का तो फरमाइश हुई है पापा जी, थोड़ा सा वो रंग आपको थोड़ा सुनाएंगे, बस थोड़ा सा एक दो मिनट का ठुमरी अंग। पहाड़ी अंग थोड़ा जहा मैं सुना रहा है कि महाराज पटियाला वाले महाराज जी, क्योंकि साडा घराना जो कैकी दा सी मेरा, मैं पटियाला घराना सी बड़े उस्ताद गुलाम अली खान साहब के, उन्होंने घराना मेरा वो सी। इस वास्ते महाराज अमरिंदर सिंह भी मेरे बहुत भाई खास यार सन, तो उन्होंने भी जो बैठते सी तो मैंने कहते बस सानू सुना दो कुछ ना कुछ पहाड़ी। थोड़ी सी शांति चाहूंगा प्लीज, सुनने वाला ये गाना है, प्लीज थोड़ा सा दो मिनट के लिए गाली शांत हो जाए प्लीज। हीर कहती है चाक न आखो कुड़ी जो किसी गिनती बचियावाए तक तक जार दाओ मार के ते मगीर सजार सदामा बुल्ले शाह रब कूक सुने ते मैं चाक दी चाक हो जावा।
राजा कर दीनी मैं अभी राजा हो जी राजा दादा मैडम राजा कर दीनी मैं अभी राजा हो राजा राजा कर दीनी मैं अभी राजा हो सैया गए परदेस आ सैया गए परदेस जब के गए मोरी सुधबू नानी में जब के गए ये मोरी हाय जब के गए मोरी सुधू नालिनी जब के गए गए हे मोरी सुधू नालिनी अरे सैया गए परदे ऐसे जा पंचा कर दीनी मैं आपी राजा ओ जी सदोनी मनु ती दो राजा सदोनी सदोनी मनु ती दो राजा सदोनी हीरे नया कियो कोई हीरे ना अकियो कोई राजा राजा कर दीनी मैं अपे राजा ओ बस करें चलो ये तो पापा जी का स्टाइल हो गया जो आप सुनना चाहते हैं वो थोड़ा सा एक आप सब के लिए मैं चाहता हूं आर के सिंह जी मसला ये है कि पापा जी का जो गाना है वो तो बाकमाल है मैं एक चीज़ मेरी समझ में आई है इतने टाइम से कि ये जो लोग हैं या इस स्टेज पे जो गुनीजन लोग गा करके गए हैं वो यहाँ पे आके कलाकार नहीं बने हैं दुनिया पे आके ये बने बनाए आए हैं तो एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां ये मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा और आपको मनाना फिर उससे भी ज़्यादा मुश्किल है ये भी पंगा है आप ना माने तो फिर अगले दिन लिखना शुरू कर दें रात को बात नहीं बनी ये आप लोगों की कर्म नवाजी है बस में तो ये बना दी उन्होंने बात अगर बात बन गई तो जोरदार तालियां लगाएं प्लीज ये बात है ये बात यही चाहिए जीते रहो अभी
छोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने सहारा दे के छोड़ा है किसी ने न मंजिल है न मंजिल का निशान है ਕੀਤਾ ਬਈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ
ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗਵੱਈਆ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾਵੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਆਖੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗਵੱਈਏ ਨੇ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਿਰ ਨਾ ਹਿਲਾਇਓ ਹੁਣ ਗਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਹਿ ਲਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਟਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਬ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਾਜਵਾਬ ਗਾਇਕੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੂਝਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਛੋਟਾ ਪੜ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤੂੰ ਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਨੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਐੱਸ ਮੀਨਾ ਜੀ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਫਾਰਮਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੇ ਮੰਚ ਪਰ ਆਏ ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰੋਂ ਕਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰੇ ਆਈਏ ਸਰ ਅੱਜ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਮਟਕ ਦੇ ਰੋਏ ਐਸੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਰੱਬ ਸੱਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲ ਕੇ ਫਜਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਈਆ ਦੋ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਮਈਆ ਆ ਜਾ ਦੋ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਮਈਆ ਦੋ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਮਈਆ ਦੋ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ ਮਈਆ ਦੋ ਘੜੀ ਮਈਆ ਆਵੇ ਮਈਆ ਹਰ ਕੋ ਜਾਣ ਜਾਣ ਤੂੰ ਮਈਆ
ਵਿਛੜਨ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਨਾਲੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾ ਹਾਏ ਪਲਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਮਾਇਆ ਦੋ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣ ਮਾਇਆ ਦੋ ਘੜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ